नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर भारत। आज 6 नवंबर है और आज दो जगह का उपचुनाव का रिजल्ट आया, मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा का। दो जगह का चुनाव हुआ था और दोनों का रिजल्ट आया। एक सीट आरजेडी के पाले में गया तो दूसरा सीट बीजेपी के पाले में गया। मोकामा विधानसभा से बात करें तो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के जीत हुई, जो आरजेडी महागठबंधन की तरफ से खड़ा हुए थे और उनके पाले में गया। लेकिन वही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वहाँ पर जीत नहीं, हमको हार हुआ है। आपको बताते चले कि आज अचानक जीतने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं पहुँचते हैं और वहीं सब पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी पहुँचते हैं और कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर जीत हुई है। आपको बताते चले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुँचे, उन्होंने क्या बोले पहले वो सुनिए। आगे के बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक है, ऐसा प्रतिबिंब खड़ा किया है कि बिहार की अगली राजनीति का बिल्कुल अस्पष्टता के साथ आगे के समय को बता दिया। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए गठबंधन की जीत, पूरी सरकार जहां बड़ी अपनी सारे सरकारी तंत्रों को लगाकर, जहां अपने पूरी व्यवस्था को चरमराने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन गोपालगंज की जनता ने एकजुट होकर वहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को, इंडिया की प्रत्याशी को जीत दिलाई है। मैं गोपालगंज की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत लोग अनुमान लगाते थे गोपालगंज से 40,000 से एनडीए बीजेपी को हराने की बात करते थे, जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वहां के सर्व समाज का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं और गरीबों का की आस्था, उनके बीच किए गए कल्याणकारी और विकास के काम इस जीत को दिलाने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। वहां के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, प्रदेश नेतृत्व के अपने मार्गदर्शन में अच्छे से वहां काम किया और जीत वहां हासिल हुई। इसलिए वहां के सभी लोगों को, सभी मतदाताओं को फिर से एक बार आभार। मोकामा के रिजल्ट को देखिए, 2020 के परिणाम को देखिए, जब हम नीतीश जी को साथ दे रहे थे तो उनके प्रत्याशी को कितना वोट आया था और कितना प्रतिशत था, आप जब वहां देखेंगे तो 2020 में मोकामा में जदयू के उम्मीदवार को 42,964 वोट आया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां 63,003 वोट प्राप्त हुए हैं, यानी 2020 के उस चुनाव के परिणाम के अनुसार जदयू के उम्मीदवार को 28% वोट प्राप्त हुए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 42.22% वोट प्राप्त हुए थे, यानी कि 21% से भी ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां मिला है, एनडीए के प्रत्याशी को मिला है। चिराग पासवान जी ने भी दोनों जगह और एनडीए के अन्य हमारे पार्टियों ने सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मदद किया है। उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी की विचारधारा पर हो रही थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य पर सभी लोगों के प्रति उनका जो समर्पण गरीब कमजोर तबका के लोगों के प्रति था और उनके द्वारा जो बिहार के अंदर माहौल खड़ा करने का प्रयास माननीय
मुख्यमंत्री जी के साथ सात दलों के गठबंधन का हम लोग राजनीतिक काज करता है। यहाँ विजय सिन्हा जी बैठे हैं, ये भी राजनीतिक वर्कर है, हम लोग राजनीतिक वर्कर है, नित्यानंद जी राजनीतिक वर्कर, तो हम लोग चुनाव लड़ने जाए तो क्या राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोई मुकामा नहीं जाए क्या? सभी लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से मुकामा में हम लोगों ने मेहनत किया और आज 63,000 वोट आया है, तो ये स्पष्ट संदेश है कि आगे के दिनों में कार्तिक मास्टर जी को पता चल जाएगा।